प्रॉपर जो है प्रोफाइलिंग कंप्लीट हो रही है। लोगों को जो गांव के जो लोग हैं उनको इंटरोगेट किया जा रहा है। सस्पेक्ट्स जो हैं वो रात को पूरी रात पुलिस लगी रही है उसमें। राउंड अबाउट हमने तकरीबन 60 से 70 बंदा जो है हमने उस पर इंटरोगेट किया है। उसमें हम इसको फर्दर आगे बढ़ा रहे हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है। जो जो प्रोसिक्यूशन है उसकी पूरी एक टीम बनी है, एक जॉइंट एक टीम बनाई गई है जो पुलिस को इस केस के ऊपर मुकम्मल असिस्ट कर रही है। उसमें जो मज़ीद जो सेक्शंस हैं वो अभी भी हमारा एसपी इन्वेस्टिगेशन जो है हमारे यहाँ के 4 सदा के हैं जो एसपी इन्वेस्टिगेशन इस टाइम जो मर्दान के हैं। आरपीओ साहब ने उसके ऊपर एक टीम बनाई है कि जो कि पहले जो मर्दान में केस हुए, नौशहरा में केस हुए, उनमें ऑलमोस्ट अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने केपी पुलिस को इज़्ज़त दी है और वो 100% उस वही जो ऑफिसर्स पहले वहाँ पे काम कर रहे थे वो सक्सेसफुल टीम मुकम्मल जो है वो इधर वो आई टीम है। अब यहाँ पे काम कर रही है इस केस के ऊपर। वही हमारे सारे मर्दान में डीपीओ साहब थे मियाँ सईद साहब, तो डॉक्टर मियाँ सईद हमारे साथ उधर, उन्होंने पिछले काफ़ी अर्सा काम किया, मर्दान को हेड किया उन्होंने, तो उन्होंने बड़ी कामयाबी से ऐसे 2-3 ट्रेस मर्दान केसेस ट्रेस किए थे, तो उनसे भी रास्ते में गुफ्तगू हुई है। और वो भी सारा जो वहाँ की जो कामयाब टीमें हैं जिन्होंने सक्सेसफुली ऐसे केसेस ट्रेस किए हैं, तो वो इस 4 सदा में डीपीओ साहब की निगरानी में, इनकी लीडरशिप में वो सारे काम कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि सिर्फ 4 सदा पुलिस नहीं बल्कि इर्द गिर्द के जहाँ से इस तरह के केसेस में जिनकी महारत है और जिन्होंने कामयाबी से उन मुलजमान तक कानून का जो शिकंजा है वो पहुँचाया, वो सारे इस वक्त इनके साथ लगे हुए थे। तो वो जो टीम है, वो जो एक्सपर्ट टीम है जिसने पहले सक्सेसफुली, वो भी इस टाइम सारा डिस्ट्रिक्ट 4 सदा के डिस्पोजल पे है, इसी केस पे काम कर रही है। उसमें आरपीओ साहब ने कल रात को ऑर्डर भी कर दिया बाकायदा। और उसके अलावा जो है जो हमने फॉरेंसिक एविडेंस है ऑन स्पॉट कलेक्ट किया गया है, उसमें हमें जो प्रिलिमिनरी हमें लगा है कि उसमें जो फॉरेन जो उसका जो फॉरेंसिक है जो एविडेंस है वो भी कलेक्ट हुआ है वहाँ से ऑन स्पॉट इर्द गिर्द से। तो वो हमने अभी भिजवा दिया हुआ है कि एमसी के अंदर है, उसकी सैम्पलिंग होगी, उसका रिजल्ट आएगा, तो फिर उसके बाद जब उसका आएगा तो फिर उसके बाद हम अपना भी सैम्पलिंग का प्रोसेस जिसमें हमारे जितने सस्पिशियस लोग हैं हम उनका सैम्पलिंग का प्रोसेस बाकायदा स्टार्ट करेंगे। और फिंगर प्रिंटिंग का जो प्रोसेस है वो हमने आज से स्टार्ट कर दिया। हमारा फिंगर प्रिंटिंग का प्रोसेस है वहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। गाँव की प्रोफाइलिंग हो रही है, उसमें जितना यंगस्टर है जो उन सबको भी कॉल करके वहाँ बुलाया जाएगा और अपना वो फिंगरप्रिंट का जो प्रोसेस है वो अपना वहाँ पे अपना हमें देना स्टार्ट करेंगे। वो भी आज स्टार्ट हो चुका है।